हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवर सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, अभी AMCA से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि AMCA को तेज़ गति से डेवलप किया जाएगा ताकि इंडिया एयर पावर की कैपेबिलिटी में सेल्फ रिलायंस हो पाए और चाइना को इंडिजीनियस हथियारों के द्वारा ही भरपूर तरीके से चैलेंज कर पाए। एयरफोर्स द्वारा बीते कई सालों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और DRDO के साथ ट्विन इंजन फिफ्थ जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर बात चलाया जा रहा था और अब सुनने को ये भी आ रहा है कि इसका डिज़ाइन फाइनलाइज हो चुका है। पूर्व एयर चीफ मार्शलों के जैसे ही सेम फॉर्मूले पर आगे चलते हुए वर्तमान एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया द्वारा देश को बताया गया था कि एयर पावर को मजबूत करने के लिए भारत को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस इक्विपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 स्क्वाड्रन AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट को इनिशियली खरीदा जाएगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों का सबसे पहला प्रोटोटाइप 2024 से लेकर 2025 तक फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि पहले इन प्रोटोटाइपों को कुछ सालों तक ट्रायल में रखा जाएगा और फाइनली 2029 में इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में AMCA का मार्क 2 के बारे में भी बताया था और उनके मुताबिक मार्क 2 और भी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट होगा जिसे इंडियन एयरफोर्स में 2036 तक शामिल कर लिया जाएगा। मतलब इस दशक के अंत तक हमारे एयरफोर्स में इंडिजीनियस स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, केवल एयर चीफ मार्शल का बयान ही नहीं बल्कि ग्राउंड में इन एयरक्राफ्टों को लेकर बीते कुछ सालों में काफ़ी तेज गति से काम किया जा रहा है। DRDO की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ भी ज्वाइंट वेंचर में इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन चालू किया जाएगा और यदि ये बात सच होती है तो प्राइवेट कंपनी के लिए ये सबसे पहला मौका होगा कि एयरोस्पेस इंडस्ट्री में कदम रख पाए और इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एडवांस हथियारों को डेवलप करने के लिए अपना भूमिका निभा पाए। हाल ही में सीनियर अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा बताया गया था कि एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज में प्राइवेट कंपनियों का भी भागीदारी किया जाएगा और प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोटोटाइप बिल्डिंग और बाद में प्रोडक्शन में हाथ बटाने का अवसर भी दिया जाएगा। मिस्टर आर के सरफरोशी, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस कंसल्टेंसी सोसाइटी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने तरफ से ये भी बताया था कि AMCA को सिर्फ अपने एयरफोर्स के लिए नहीं बनाना चाहिए बल्कि इसके एक्सपोर्ट वर्जन पर भी काम करना चाहिए जिससे कि इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना दबदबा बढ़ा पाए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में जिस तरह से डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को मजबूत करने की बात कहा गया था और उनके मुताबिक जिस तरीके से भारत को डिफेंस इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए था, उस रणनीति को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्रेंड, एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया की तरफ से फॉरेन कंट्रीज से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीदारी को लेकर भी हाल ही में बयान दिया गया था जिसके बाद भारत के AMCA को लेकर भी काफ़ी क्लियरेंस आ गया था। RK भदौरिया के मुताबिक इंडिया 2018 में ही FGFA प्रोजेक्ट से बाहर निकल चुका है और फिलहाल FGFA एयरक्राफ्ट की खरीदारी को लेकर भी इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही किसी फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में इंडिया में कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स अभी टोटली AMCA के ऊपर फोकस कर रहा है और इंटर जनरेशन को एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा तरजीह भी दिया जा रहा है। FGFA प्रोजेक्ट इंडिया और रशिया के बीच में जो असली मतभेद था वो था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्रिटिकल इक्विपमेंट की नॉलेज को लेकर। कोई भी देश किसी और देश के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता है और इसलिए जॉइंट वेंचर में हो या फिर को प्रोडक्शन किसी भी सेक्टर में इंडिया को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, 2018 में AMCA के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए $60 मिलियन का फंड का आवंटन किया गया था जिसके तहत AMCA के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को
मेड इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। और दोस्तों, इसी फंडिंग का इस्तेमाल करके एक आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार को डेवलप किया जा सका है, जिसे AMCA में भी इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इंडिया के इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा जो मुश्किल आ रहा है वो है इसके इंजन को लेकर। और इंडिया के तरफ से इस मुश्किल का समाधान करने के लिए एक उपाय भी ढूंढ लिया गया है। और इस उपाय के तहत UK के फॉर्म रॉयल रॉयस के साथ एक नया जॉइंट वेंचर किया जाएगा, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए 110 न्यूटन का एक नया इंजन को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, इन इंजनों को यूरोजेट EJ200 के तर्ज पर डिज़ाइन किया जाएगा, जिसे यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल किया जाता है। एयरबस इंडिया के मिलिट्री हेड अनिल गुप्ता के तरफ से हाल ही में ये बताया गया था कि एयरक्राफ्ट के इंजनों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी देश के एयरोस्पेस इंडस्ट्री को उन्नत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और भारत की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो आने वाले समय में इंडिया के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट के डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यूरोजेट EJ200 को डेवलप करने के पीछे रॉयल रॉयस नहीं बल्कि एयरबस शामिल था। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो बने तो आप अपने टॉपिक को कमेंट करके बता दीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाए। सो फ्रेंड, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो हर यूट्यूबर आपको कहता ही होगा, या तो वो स्टार्टिंग में कहता होगा या फिर एंड में कहता होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और फ्रेंड, हमारे लास्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा।